नईगढ़ी थाना क्षेत्र के भिटवा भदावल गांव निवासी दो सगे भाइयों की नासिक में मौत हो गई। शव गृह ग्राम भिटवा भदावल पहुंचे तो परिवार में मातम छा गया। दोनों भाई कंपनी में मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन करते थे। वहीं एक दिन पूर्व नासिक से फोन आया कि कृष्णचंद्र साकेत और दीप नारायण साकेत की हालत गंभीर है, जिसके बाद परिवार के लोग नासिक पहुंचते हैं तो देखा कि दोनों युवकों की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु का कारण घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से बताया जा रहा है। वहीं परिवार के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह शव को अपने गृह ग्राम ला सकें, जिसके बाद रिश्तेदारी से चंदा इकट्ठा करके किसी कदर परिवार वालों ने शव को घर लेकर पहुंचे। पीड़ितों के पास पैसा नहीं था तो कंपनी ने भी मानवता नहीं दिखाई और ना ही मकान मालिक ने। जैसे ही इस बात की जानकारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को हुई, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिवार को धाड़स बधाते हुए आर्थिक मदद की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आज एक हमारे गरीब परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। एक वृद्ध बाप के बुढ़ापे की लाठी, एक माँ का सहारा चला गया है। जिस बात के लिए हम और हमारे युवा साथी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं अगस्त क्रांति के माध्यम से, कि ऐसे युवा जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, गुजरात जाके प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और हर महीने 10 से 15 तारीख को घर वालों को चिंता लगी रहती है कि पैसा आए तो घर का राशन आए, बच्चों के लिए कपड़े आए, माँ की दवाई आए, बाप की व्यवस्था हो, और जब इस तरह की घटना हो जाती है उसके बाद अंधेरा छा जाता है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कौन ऐसा सोचेगा कि कल के बाद घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बूढ़ी माँ की दवाई कैसे आएगी, बाप को सहारा कौन देगा। ये हमारे दो भाई नासिक में काम करते थे, जैसा अभी आपने बताया है कि जब घटना हुई उसके बाद मानवता भी मर गई। जो गरीब 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे वो 56 हज़ार रुपये एम्बुलेंस का कैसे दें, जैसे बता रहे हैं। इनके घर वालों ने, गांव के लोगों ने इधर उधर से उधारी लेके और किस तरह से एम्बुलेंस का भुगतान 56 हज़ार किए। क्या उस कंपनी की जिम्मेवारी नहीं थी जिसके लिए श्रम दिन रात करते थे, जिसके लिए पसीना बहाते थे और जिनके पसीने के कारण जो उत्पादन होता था और वो उद्योगपति ऐसो आराम फरमाते हैं। शीघ्र ही अंत्येष्टि से फुर्सत होके उस संबंधित कंपनी के खिलाफ हम लोग FIR करेंगे और इनको और इनके जो परिजन हैं, मनुष्य जब जाता है तब भी सम्मान से जाने का मौलिक अधिकार है कि उसका सम्मान के साथ संस्कार हो, और तत्काल जो शासन की पॉलिसी है उसके हिसाब से अभी अंत्येष्टि सहायता राशि सचिव महोदय को मैं फ़ोन करके बुलाया था और आके तुरंत दी गई है। आगे भी जो शासन की गाइडलाइन है और उसके अलावा भी जितना हमसे हो सकेगा, एक पुत्र की तरह का जो कर्तव्य है उस तरह से मैं आजीवन इनके साथ रहूँगा और शासन की जो व्यवस्था है निर्विघ्न इनको मिले, बगैर भाग दौड़ के मिले। इनका जो अधिकार है इनके दरवाजे मिले संबल से है। जैसे सचिव महोदय, एक भी कागज़ के लिए इनको नईगढ़ी जनपद न आना पड़े, या आप इकट्ठा करेंगे, आप करेंगे एक और इनके सारे कागज़ तैयार होकर इनके घर ही पहुँचे।